हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ ट्रस्ट, इक्विटी एंड फिडिशियरी रिलेशन से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। मैं बता दूँ आपको कि इस वीडियो में आपको 19 एमसीक्यू मिलेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए बात करते हैं एमसीक्यू की। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि मध्यकालीन युग में सद्विवेक एवं साम्या स्वामी जुड़वा बच्चों के समान थे, जो बिना अलग किए ही एक दूसरे से संतुष्ट थे। ठीक है, तो यह कथन किसका है, ये कथन किसने दिया? तो आपको याद रखना है ये कथन जो है हैनबरी जी का है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि यदि धर्म का मूल पाठ न्यायिक युक्ति के प्रतिकूल पाया जाए तो धर्म का मूल पाठ निष्फल हो जाएगा और युक्ति की प्रामाणिकता अभिभावी होगी। यह कथन किसका है? तो आपको याद रखना है ये कथन कौटिल्य का है। किसका है? कौटिल्य का। यहाँ पर आपका कौटिल्य का है ये कथन। तो ये बी ऑप्शन सही नहीं होगा, सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कौटिल्य का है ये कथन। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है कि साम्या के अधिकार क्षेत्र हैं। तो आपको याद रखना है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, साम्या के अधिकार क्षेत्र में अनन्य अधिकार क्षेत्र, समवर्ती अधिकार क्षेत्र और सहायक अधिकार क्षेत्र आते हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, मतलब साम्या के अधिकार क्षेत्र ये सभी ए बी सी में जो कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर चार क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर चार कहता है कि साम्या की सभी सिद्धांतों में न्यास का आविष्कार तथा विकास अत्यंत व्यापक एवं महत्वपूर्ण है, यह कथन किसका है? तो आपको याद रखना है यह कथन मेटलैंड का है। ओके, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर पांच की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर पांच क्या कहता है कि अभिव्यक्त न्यास है। तो आपको याद रखना है भाई, देखिए यहां पर आपका मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर पाँच में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, एक ऐसा न्यास है, ठीक है, मतलब अभिव्यक्त न्यास एक ऐसा न्यास है जो यहाँ पर न्याय लिख गया है बट यहाँ पर न्यास है। ठीक है, तो जो है टाइप में गलत हो गया। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, याद कर लीजिएगा, एक ऐसा न्यास है जो न्यासकर्ता द्वारा मौखिक या लिखित रूप से सृजित होता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बी में जो कहा गया है वो अदर न्यास से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कहता है कि न्यास है। तो आपको याद रखना है, ठीक है,
यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मतलब ए एवं बी दोनों, समझ गए, मतलब न्यासधारी के दायित्व सामयिक होते हैं, एक तो ये हो गया न्यास के अंतर्गत, और न्यास के अंतर्गत न्यास द्वारा लाभान्वित होने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा न्यास का आधार लागू होता है। तो यहाँ पर आपका ए एवं बी दोनों सही हैं, इसका मतलब सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अनवायिक न्यास है, तो आपको ध्यान देना है यहां पर, देखिए यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है, मतलब ए एवं बी दोनों ठीक। अब ए में क्या कहा गया है ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सी ऑप्शन सही है तो इसका मतलब ए एवं बी दोनों सही ही हैं। तो याद रखिएगा, एक ऐसा न्यास है, अन्वयिक न्यास एक ऐसा न्यास है जिसका सृजन न्यास निर्मित करने के आशय को संदर्भित करने वाले शब्दों अथवा परिस्थितियों के द्वारा नहीं होता। ओके, फिर दूसरा कहता है कि दूसरे की संपत्ति के असामयिक अर्जन को रोकने के लिए साम्य के इक्विटी के न्यायालयों द्वारा आरोपित किया जाता है। ओके, तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ए एवं बी, ये दोनों अन्वयिक न्यास से ही संबंधित हैं, रिलेटेड हैं, और यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि प्रार्थनात्मक न्यास है, तो प्रार्थनात्मक न्यास जो है यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 में ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ओके, ऐसा न्यास जिसकी घोषणा तथा सृष्टि स्पष्ट एवं निश्चित शब्दों के द्वारा नहीं अपितु प्रार्थनात्मक शब्दों के द्वारा की जाती है। ओके, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यासधारी की पदचिति, फिर आगे आपको बताना है। देखिए न्यासधारी की पदचिति जो है वो एक बार न्यास का पद स्वीकार कर लेने के बाद न्यासधारी अपने पद का त्याग नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा कहता है कि दूसरे की संपत्ति के असामयिक अर्जन को रोकने के लिए साम्य के न्यायालयों द्वारा आरोपित किया जाता है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा जो न्यासधारी के पदचिति से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि किस धारा में उन अवस्थाओं का उल्लेख किया गया है, यहां पर धारा पूछी जा रही है, ठीक, धारा पूछी जा रही है कि किस धारा में उन अवस्थाओं का उल्लेख किया गया है जिनके अंतर्गत कोई न्यासधारी अपने पद से उन्मुक्त हो सकता है या उन्मोचित किया जा सकता है। तो आपको बताना है कि किस धारा में ये सारी चीजें हो सकती हैं, मतलब न्यासधारी अपने पद से उन्मुक्त हो सकता है या फिर उन्मोचित किया जा सकता है, तो ये किस धारा में है, आपको याद रखना है धारा 70 से 71 में, या धारा 70 एवं 71, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की किस धारा के अनुसार न्यासधारी का पद उसकी मृत्यु हो जाने पर रिक्त हो जाता है, ठीक है। तो भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की किस धारा के अनुसार न्यासधारी का पद उसकी मृत्यु हो जाने पर रिक्त हो जाता है, तो आपको धारा याद रखनी है,
ठीक है, धारा 70, ठीक है, धारा 70 के अनुसार न्यासधारी का पद उसकी मृत्यु हो जाने पर रिक्त हो जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के किस धारा के अंतर्गत, आपको सेक्शन यहां पर बतानी है, ठीक, तो किस धारा के अंतर्गत हितग्राही न्यास संपत्ति के किराए तथा लाभ अर्थात उससे होने वाली आय को प्राप्त करने का अधिकारी होता है? तो आपको याद रखना है धारा 55, ठीक है, धारा 55 के अंतर्गत हितग्राही न्यास संपत्ति के किराए तथा लाभ अर्थात उससे होने वाली आय को प्राप्त करने का अधिकारी होता है, याद रखिएगा। धारा से रिलेटेड क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि यही धारा पूछ ली जाए, ठीक है, बट ध्यान देने की आवश्यकता है आपको, क्या पता आपके एग्जाम में आ ही जाए यही क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि धारा 23 के अपवाद हैं, या फिर धारा 23 के अंतर्गत जो अपवाद आते हैं वो इनमें से हैं क्या, आपको बताने हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको याद रखना है, देखिए भाई यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, ठीक, सी ऑप्शन में आप टिक लगा लीजिए। अब ए एवं बी दोनों, इसका मतलब ए एवं बी दोनों में जो कहा गया है वो धारा 23 के अपवाद से ही रिलेटेड है, तो ध्यान दीजिएगा इसको, जहाँ स्वयं हितग्राही न्यास भंग में सम्मिलित हो गया हो, ठीक, और दूसरा जहाँ स्वयं हितग्राही ने न्यासधारी को ठीक न्याय भंग के लिए उत्प्रेरित किया हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए एवं बी दोनों मतलब सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि न्यास के उद्देश्य हैं, आपको उद्देश्य बताने हैं, ठीक, कि न्यास के उद्देश्य क्या हैं, या न्यास के उद्देश्य हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना है भाई, जो विधि द्वारा निषिद्ध नहीं है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, समझ गए। तो देखिए, जो विधि द्वारा निषिद्ध नहीं है ये भी, जो कपटपूर्ण नहीं है ये भी, और जो किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाला नहीं है, ठीक है, ये जो है न्यास के उद्देश्य के अंतर्गत ही आते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि साधारण या विशिष्ट न्यास है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से सुनिएगा, ऐसा न्यास जिसमें संपत्ति अन्य व्यक्ति के लिए न्यास रूप में निहित होती है, मतलब शामिल होती है। बी कहता है न्यासकर्ता के द्वारा न्यास की प्रकृति विहित नहीं की जाती है, और सी कहता है ऐसे न्यासों में न्यासधारी न्यास की संपत्ति को केवल धारण करता है, उसे किन्हीं सक्रिय कर्तव्यों का पालन नहीं करना पड़ता, ओके, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये सभी हैं जो साधारण या विशिष्ट न्यास से ही संबंधित पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि निजी न्यास या व्यक्तिगत न्यास होता है, तो आपको ध्यान देना है भाई, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन ही सही होगा, ठीक है, क्योंकि ए बी सी में जो कहा गया है वो निजी न्यास या फिर व्यक्तिगत न्यास से ही रिलेटेड है। अब इन पॉइंट्स को आपको ध्यान देना है, याद रखना है, क्या पता एक पॉइंट्स इसमें से सही वाला दे दिया जाए और अदर चेंज कर दिए जाए, तो आपको याद रखना है, इसलिए मैं पॉइंट्स पढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ किसके अंतर्गत ये आते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, पहले मैं बता दिया हूँ, ठीक,
ए में क्या कहा गया है, मतलब फर्स्ट पॉइंट कहता है कि व्यक्तिगत न्यास का सृजन किसी खास व्यक्ति के लाभ के प्रयोजन से किया जाता है, जो कि निजी न्यास से या व्यक्तिगत न्यास से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। दूसरा पॉइंट कहता है इसका उद्देश्य वैयक्तिक होता है, और आगे व्यक्तिगत न्यास जो है आयकर से अभिमुक्ति नहीं प्राप्त करता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है लोक न्यास या सार्वजनिक न्यास है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं जो सही हैं, इसका मतलब ए एवं बी दोनों सही हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा आपका। अब लोक न्यास या सार्वजनिक न्यास से रिलेटेड पॉइंट्स ए एवं बी में कहा गया है, जो कि सही है। तो ए में क्या कहा गया है कि यह लोकहित की भावना से प्रेरित होता है, और मतलब अर्थात इसका उद्देश्य सार्वजनिक होता है। ठीक, और लोक न्यास जो है या सार्वजनिक न्यास जो है सार्वजनिक न्यास के संदर्भ में साइप्रस का सिद्धांत लागू होता है। ठीक, तो यहाँ पर ए एवं बी दोनों सही हैं, इसका मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि वह व्यक्ति जो विधिक संपदा का आधिपत्य धारण किए हुए हैं उस व्यक्ति पर प्राथमिकता रखता है जो केवल सामिक संपदा धारण किए हुए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि साम्यावधि का अनुसरण करता है, यही कथन है। तो आपको याद रखना है, कथन याद रखना है, और कथन किसका है ये भी याद रखना है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कथन देसाई जी का है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है पालन संपत्ति का ऐसा हस्तांतरण है जिसे दान ग्रहीता चाहे या नहीं चाहे, विधि की दृष्टि में इससे दाता के सभी पूर्ववर्ती आभार पूर्णता मुक्त हो जाते हैं, यह कथन किसका है। तो आपको याद रखना है भाई, ये कथन जो है वो स्ट्राहन का है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। और आज के लिए बस इतना ही, इतने क्वेश्चंस आप तैयार करिए, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।